भालोटिया मार्केट में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि शहर में 22 जगहों पर अलग अलग इस समय कोरोना जांच शिविर लगाया गया है और प्रतिदिन लगभग 3000 लोगों का शहर में कोरोना जांच हो रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर भालोटिया मार्केट के सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की जाँच करवाया गया। बुधवार को भालोटिया मार्केट में 89 लोगों ने कोरोना जाँच करवाया। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि इस संक्रमण को सिर्फ जांच कराकर ही फैलने से रोक सकते हैं, इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक जांच करवाएं, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, 9 नंबर देवराज एंटीजन, यार नंबर विपिन शर्मा जी सर, गोडाउन करिए, टास्क रूम किएगा, ओके टास्क रूम किएगा, रूम के रखिएगा। 13 नंबर राजेश सिंह, हाँ टास्क रूम के रखिएगा। आरटीपीसीआर भी उनका होगा, हाँ आरटीपीसीआर होगा ना मंटू भाई, हाँ हाँ 13 नंबर, हाँ 13 नंबर, इनका एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों होना है। तेरह नंबर राजेश सिंह, 86 हुआ टोटल, 86। योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। यहाँ पे आज जांच शिविर लगाया, कितने लोग यहाँ आज, यहाँ आज जांच शिविर भालोटिया मार्केट में लगाई गई है और लगभग 89 लोगों का जांच हुआ है। चूँकि जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ तो हमारी दवा की दुकानें तो किसी दिन बंद नहीं हुई थी, तो सारे स्टाफ और सारे मालिक रेगुलर आ रहे थे, मार्केट खुल रहा था। तो जैसे पुलिस वाले और डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में हैं, वैसे हमारे सारे स्टाफ और सारे मालिक विभिन्न परिस्थितियों में हर एक स्थिति में आकर अपनी अपनी दुकानें खोलते थे। तो एक तरीके से संक्रमण की आशंका थी और बहुत सारे स्टाफ ये चाहते थे कि हम लोगों की जांच जो हो जाए, तो इसके लिए अनुरोध किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री की यह मंशा भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाँच होगा, तो जितनी ज़्यादा जाँच होगी उतना ही ज़्यादा संक्रमण से हम निजात पाएंगे, केस क्वेरी हो जाएगी और उसका होम क्वारंटाइन होकर तमाम लोग कर लेंगे। तो मुझे अपने मार्केट को लेकर भी सशंका था कि मार्केट में अगर कुछ लोग होंगे, कुछ स्टाफ होंगे, तो उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, उनका इलाज करा दिया जाएगा, जिससे मार्केट सुचारू रूप से चलेगी, गतिमान रूप से चलेगी, क्योंकि भालोटिया दवा मार्केट पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ 12-15 जिला से के लोग आते हैं, तो यहाँ संक्रमण की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये जाँच कराई गई और माननीय मुख्यमंत्री की मंशा भी थी और यहाँ के लोगों का था। तो सारे मेडिकल स्टोर के जो रिटेल थे, होलसेल के लोग थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके मालिक और स्टाफ, सभी लोगों ने उत्साह दिखाया और सभी लोगों ने आके जांच कराई। सर कोई अपील, अभी बहुत लोग जैसे 89 लोग, अभी माना जाता है कि भलोटिया सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है जी, कोई अपील लोगों से? जो हम अपने सभी दवा विक्रेताओं से, स्टाफ से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, सभी से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक, वैसे तो ज़्यादा लोगों का पिछली बार भी हम लोगों ने कैंप कराया था तो सबको करा दिया, तो अधिक से अधिक लोग आवें और जांच कराएं। और साथ में यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हैंड वॉश के लिए हर जगह स्थान बना दिए गए हैं जहां लोग हैंड वॉश अपना हाथ साफ करते हैं। तो यही है, जागरूकता ही कोरोना से बचाव है और हम अपील करते हैं सभी लोगों से कि मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और सबका सहयोग करें।